की हाल चाल कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही स्वस्थ हो गए और इसके साथ ही साथ बहुत अच्छे ही अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गए। आई होप आपका पहला एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल, और जिनका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ छूट गया है, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। जो हो गया होगा, अब जो पेपर आने वाले हैं उस पर बहुत फोकस रहिएगा कि कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, आज की जो वीडियो है ये रिलेटेड है आपके। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम एक्चुअल में आप साइंस के कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दीजिए, जिससे कि क्या हो पढ़ने में आसानी हो। मैं यही कहूंगी कि जितना पढ़ाया गया आप उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आज मैं वही डिस्कस करूंगी कि आपको साइंस के अकॉर्डिंग जो क्लास 10th का बोर्ड में क्या क्या चांसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की साइंस में, तो हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर वाइज हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है ना। 15 to 16 चैप्टर। तो यहाँ पर क्या है कि चैप्टर 1 जो है हमारा, उसमें क्या है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, तो याद रखिएगा इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको रासायनिक मेनली क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको मालूम होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद हो अगर, ठीक है ना। दूसरा, अगर कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। द थर्ड वन इज आपका क्या होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। विस्थापित हो जाता है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम लोग डबल विस्थापन बोलेंगे, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद लास्ट में जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन को बोलते हैं और रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसी के बाद ही लास्ट टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम भी है कोरिजन क्या। कोरिजन का जो फॉर्मूला होता है, आयरन का जो ऑक्साइड बनता है एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। क्योंकि अगर कोरिजन आएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको डिस्क्राइब करोगे आपको नंबर मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला प्लीज याद कर लीजिएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल लीजिएगा, उसमें वाटर, उसके बाद रिएक्शन करके उसके क्रिस्टल डॉट लगा के एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो है इस चैप्टर में हम लोग मेनली इसी की बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लीजिएगा, उसके बाद हम इसमें आगे चल के बात करते हैं चैप्टर 2 जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार व लवण, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर मैं बात करूं तो भाई एसिड बेस आपको मालूम होना चाहिए, इंडिकेटर भी याद कर लीजिएगा। मतलब ये सब तो एक बार कहते हैं ना, रिवीजन वाली चीज है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं मेन बता रही हूँ, मेन क्या है उसी के बारे में बात चर्चा चल रही है यहाँ पे। पीएच याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल, पीएच याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसका पीएच, एचसीएल का पीएच कितना होता है, कॉफी का पीएच, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो आपको याद होगा कि कुछ कंपाउंड दिए थे जिसके बारे में आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक रासायनिक गुण आपको बताने थे, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण, उसके यूजेस बताने थे, कैसे बनता है, प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब मेथड जो है उसमें बताना था, तो मैं बता दे रही हूँ। कास्टिक सोडा याद है आपको, कास्टिक सोडा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसको हम लोग NaOH बोलते हैं। इसके अलावा हमारा क्या था, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा ये पढ़ लीजिएगा बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और इसके बाद हम लोग क्या था, ब्लीचिंग पाउडर और द लास्ट वन इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इतनी टॉपिक्स को यहां से इधर से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी छोटे मोटे टॉपिक तो आप अच्छे से बता ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े। अब चैप्टर 3 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 3 में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए चैप्टर 3 जो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल जितना कह रहे बस उतना पढ़िएगा। इसमें याद रखिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ना बहुत जरूरी है, याद होगा केदारनाथ वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर।
और जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में उसमें जो कुछ रिएक्शन दिए हैं वो आप कर लेंगे कि जिंक सल्फेट कॉपर से रिएक्शन करके क्या देगा, तो आप बता दोगे। इसके अलावा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, और ये प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसमें से आपने ये देखना है। उसके बाद जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जैसे कि आप कास्टिक सोडा बेकिंग ब्लीचिंग वाला तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये काफी हद तक जो है बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कार्बन तथा उसके यौगिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक। अब इसमें देखिएगा क्या क्या पूछ सकता है, इसमें कार्बन की बॉन्डिंग पूछ सकता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पूछ सकता है, ठीक है ना। बॉन्डिंग इसमें देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी दी हुई थी मैंने, जो तैयारी करके चल रहा होगा उसका हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। होमोलॉगस सीरीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आयुपीएससी के लिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, आयुपीएससी जिसको नहीं आ रहा है टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आएगा, 2.5 नंबर का आएगा, उसके चक्कर में अगर आप बाकी चीजें भूल जाएंगे तो नहीं। इसको एकदम अवॉइड करिए अभी के लिए, रिवीजन के लिए एकदम लास्ट में देखिएगा जब साल आपका हो जाएगा, ये नहीं कि इसको आप पढ़े पढ़ेंगे, आएगा तो 1-2 नंबर का आएगा, उसके अलावा बाकी चीजें देखिए। फिर इसमें इस चैप्टर के आगे फिर इसमें जो है हम लोग एथेनॉल मेथेनॉल क्या होता है सारे ना, एल्डिहाइड, अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एसिड एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो उसमें एथेनॉल मेथेनॉल पूछा गया है, और उसी में आपको याद होगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई गई है, वीडियो पड़ी हुई है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। एडिशन रिएक्शन यानी कि कार्बन की जो होती है योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसके साथ ही साथ यहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आगे की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होता है, और हाँ एडिशन मैंने बता दिया, कंबशन रिएक्शन होता है, दहन अभिक्रिया, कंबशन। कंबशन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, मतलब गैस निकलती है ना। कंबशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कार्बन के मॉलिक्यूल जलते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होगी, सब बताया है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं जो कि हमारा काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, वहम हो रहा है मुझे, चलो हो रही है। अब आगे की बात करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा इसी चैप्टर में एथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, और हाँ देखिए एथेनॉल एसिटिक एसिड और डिटर्जेंट और सोप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका मिसेल एक्शन भी ना, मिसेल क्या होता है, कैसे सोप और डिटर्जेंट एक्शन करता है, तो इस सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मतलब इसमें से अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आपके 70 आने आने हैं, ठीक है ना, 70 तो क्या, मतलब 50 के ऊपर तो आने ही आने हैं, ठीक है। बाकी अब एक दो जो चीजें हैं अब उसका क्या ही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा क्या है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में देखिए आप, उसमें क्या है कि अलग अलग गुण होते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, और वो क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है ना, तिरछी रिलेशन इसको बोलते हैं, वो आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा वो सेतु क्या होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, सेतु वाला मतलब वो क्या था, ब्रिज एलिमेंट, तो ये सब देख लीजिएगा, वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे की बात करते हैं बायो में जो पहला चैप्टर है इसमें अगर मैं बात करूं, तो इसमें याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन मैकेनिज्म की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसके आगे हम बस इतना ही, हम जितना बता रहे उतना करिएगा, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की अभिक्रिया होती है। एनएरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है, उसकी अनुपस्थिति में क्या होता है, ये श्वसन की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। फिर ये इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं
मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि हम लोग जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा जाइलम का मतलब जाम है, तो जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, और फ्लोएम क्या करता है, जो फूड बनाते हैं लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के दौरान, उसको प्लांट के और पार्ट में ले जाने का काम फ्लोएम का होता है, ठीक है ना। फिर ये हमने किसकी बात कर दी, पौधे में, लेकिन ट्रांसपीरेशन हम लोग ह्यूमन में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में। और आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपीरेशन कौन करता है, जो भी हम खाते पीते हैं, जो पोषण हमें मिलता है, वो पूरा जो ब्लड में सर्कुलेशन है, ब्लड ऑक्सीजन ये सब पहुंचाने का काम कौन करता है, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना, कुल मिला के। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आर्टरी और वीन्स पढ़ना है, आर्टरीज एंड वीन्स, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, उसमें जो कुछ टॉपिक बता रहे बस उसको पढ़िएगा। ह्यूमन ब्रेन पढ़ लीजिए, नर्वस सिस्टम पढ़ लीजिए, बाकी वो प्लांट लैंड का वो छोड़िए, जितना बस कह रहे उतना पढ़िएगा। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फिर अब इसमें क्या मैं बात करती हूँ, अब इसके आगे की बात है। तो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग का रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी दो प्रकार होते हैं ना, लैंगिक एंड अलैंगिक, तो रेस्पिरेशन हम लोग को सॉरी प्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप्स के पढ़ने हैं। इसके अलावा उसमें क्या है, हम लोग को जैसे कि फीमेल ऑर्गन जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिएगा, मेल ऑर्गन है उसमें एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पेड़ पौधे में जब पढ़ेंगे तो याद रखिए जो जो मैं बता रही हूँ उसको याद कर लीजिएगा। बाइनरी फिजन क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। बडिंग क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से मैं जो बोल रही हूँ उसको पढ़िएगा। अच्छा हाँ, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें याद रखिएगा गुड़हल का फूल दिया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से वो डायग्राम देखे उसका पूरा वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस। और फिर वो मेल और फीमेल वाला ऑर्गन वाला तो पढ़ना ही है, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लास्ट टाइम आया भी था, तो इसमें से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी चैप्टर की। हेरिडिटी चैप्टर की अगर बात करें तो भैया मेंडल्स के जो तीनों लॉ हैं मेंडल्स के, वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मेंडल्स के जो लॉस थे तीनों वो सारे पढ़ लीजिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करवाया था। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सोमल, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है ना। आगे की बात करें, अब हम लोग लाइट चैप्टर की बात करें तो लाइट चैप्टर में जितना मैं बता रही हूँ उसको हिसाब से तैयार करिएगा। लाइट चैप्टर में देखिए रे डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा, यानी कि वो जो मिरर के और लेंस के जो रे डायग्राम थे आपको तैयार करवाए गए थे उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रॉ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल आए तो आए, अब उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पे जोर मत दीजिएगा, थ्योरी पे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये नहीं कि अब न्यूमेरिकल लगा लगा कि हाँ, अगर आपके पास टाइम है थ्योरी के बाद तो बस देख लीजिएगा कि किस तरह से करना है। अगर बहुत टाइम है आपके पास तो एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग प्रिज्म पे आते, ह्यूमन आई में आते हैं। प्रिज्म भी प्रिज्म में याद रखिएगा, प्रिज्म को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है विचलन कोड, क्या होता है ये सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आपतित विचलन कोड क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और हाँ, ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन आई में जो है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें कौन कौन से पार्ट है बहुत अच्छे से चार नंबर का आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर तो जो बीमारियां थी मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों बीमारियों को अच्छे से पढ़ेगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, कैसे सुधार किया जाता है, सब अच्छे से आपको सिखाया गया, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ की। लेकिन अगर बात करें तो छोटे छोटे जो आपको डेफिनेशन दिए कि आवेश क्या होता है यानी कि चार्ज क्या है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट क्या होती है, विभव विभवांतर क्या होता है, तो ये सब आपको अंडरस्टूड है और आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ओम्स लॉ समझेंगे ना। तो वो तो चीजें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ ओम्स लॉ क्या होता है।
इसी में था कि ओम्स लॉ में क्या होता है, जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस नहीं था कि रो पे डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। एमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, तैयार कर लीजिए सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन, आपको सिखाया था ना प्रतिरोधों का, तो वो प्लीज सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करती हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट में, तो उसमें भाई आप क्या करोगे, आप राइट हैंड थंब रूल तैयार कर लेना, बायो सेवर्ट लॉ अच्छे से तैयार कर लेना, इसके बाद लॉरेंस फोर्स क्या होती है वो अच्छे से पढ़ लेना, फ्लक्स क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा याद रखिए भैया, इसके टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक मोटर, ये लॉन्ग ऑन के लिए बोल रहे, इलेक्ट्रिक मोटर और इधर से रेजिस्टेंस पैरेलल, ये लॉन्ग वाले होते हैं क्वेश्चन, मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई प्लीज, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए चाहे जैसे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, हम लोग बात करते हैं जो रिन्यूएबल, और देखिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, तो आप याद रखिएगा नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय जो होते हैं सोर्सेज जो होते हैं, तो यानी कि इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको दोबारा नहीं बना सकते, जैसे कोल और पेट्रोलियम खत्म हो गया तो अब नहीं कर सकते, यही कारण है कि अब क्या है ओला इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग दोबारा बना सकते हैं, चाहे पानी से चाहे हवा से टर्बाइन लगा के, लेकिन कोल और पेट्रोलियम नहीं बना सकते, उसके नियमित सोर्सेज ही हैं, ठीक है, लिमिटेड है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इकोसिस्टम आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कि वो पिरामिड वाला है ना उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ वैसा कुछ है नहीं। ओजोन क्या होता है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। और एक टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ मैंने एक पढ़ाया था ना कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी कंडक्टर डाल दिया, वायर डाल दिया, तो क्या होगा, तो इन सब चीजों को जरा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और लास्ट के चैप्टर में इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक को कर लीजिएगा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यू ऑलरेडी नो कि क्या होता है, तो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको उस पे कुछ टॉपिक बताऊंगी, कुछ तरीके बताऊंगी कि आप कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि कैसे एक्सप्लेन करना है अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को, अपने क्वेश्चन के आंसर को, कि एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से तैयारी करते रहिए, गुड बाय।